उकवा में हुआ स्वास्थ्य शिविर, 392 लोगों की गई स्वास्थ्य जांच। स्वर्गीय श्रीमती तारा देवी पति स्वर्गीय डॉक्टर डालचंद कोचर कोलकाता की स्मृति में श्री विक्चन जैल हॉस्पिटल बालाघाट व प्योरिटी सर्विसेज संस्था के सहयोग से खनिज नगरी उकवा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन त्रिलोकचंद कोचर शांति देवी ट्रस्ट के संचालक त्रिलोकचंद कोचर द्वारा आयोजित किया गया। शिविर में नागपुर और रायपुर के साथ साथ जैन हॉस्पिटल बालाघाट के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा क्षेत्र के लोगों की अनेक गंभीर और असाध्य रोगों का निःशुल्क उपचार कर उन्हें स्वास्थ्य परामर्श भी दिया गया और सभी को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। उकवा माइल स्थित बिसेन इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ इस शिविर में 392 लोगों का उपचार किया गया, जिसमें 73 लोगों की ECG और 122 लोगों की शुगर की जाँच की गयी। शिविर को सफल बनाने में त्रिलोकचंद कोचर शांति देवी ट्रस्ट के संचालक त्रिलोकचंद कोचर तपेश राठौर, श्री शरदम सेवा समिति अध्यक्ष जेम्स बारिक, सचिव नितिन कुमार, संतोष सोनी, आशीष नाग, अखिल घड़े सहित अन्य की सराहनीय योगदान रहा। सर, जब से अभी जो कैंप शुरू हुआ है सर, किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं आपके पास में? यहाँ पे अभी तक के मैंने अभी जो कैंप शुरू हुआ है अभी मुश्किल तक 1 घंटा ही हुआ है, तो इसमें मोस्टली जो पेशेंट्स है हार्ट फेलियर के, डायबिटीज अनकंट्रोल डायबिटीज के पेशेंट्स है, लफ्फे के पेशेंट्स है, इसी तरीके के मरीज यहाँ पे है। और जैसे अभी यहाँ पे एक पेशेंट आई हुई थी जिनका हार्ट फेलियर के पेशेंट थी और उनको एडमिशन की भी आवश्यकता थी और उनकी सांसें काफ़ी चल रही चल रही थी, तो उन्हें हमने यहीं पर अभी एक प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है और आगे भी उसको जो भी उचित इलाज की आवश्यकता होगी उसकी हम उन्हें बालाघाट जैन हॉस्पिटल में फॉलोअप करेंगे। थैंक यू। नमस्ते सबको, मेरा नाम डॉक्टर शिवाली शिंदे है, मैं जैन हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पर हुआ में हमें एक शिविर के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर काफ़ी हमने देखा है कि यहाँ शुगर के पेशेंट हैं, BP के पेशेंट हैं, उन्हें महिलाओं को महिला संबंधी जो महामारी की प्रॉब्लम है वो हमने देखा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जिसके हम उपचार के लिए यहाँ पर हमने पूरी कार्यरत हैं और कोशिश भी करेंगे कि शायद उनको हल हो जाए और जितनी भी हमसे कोशिश हो पा रही है कि हम फ्री में दवा दे पाएँ, फ्री में उनका इलाज कर पाएँ, फ्री में उनके लिए ब्लड टेस्ट करवा पाएँ, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। मैं त्रिलोकचंद कोचर बालाघाट में पैदा हुआ, मदर टेरेसा के द्वारा मुझे बालाघाट जिला कलकत्ते में पैदा हुआ, बालाघाट जिले में मदर टेरेसा द्वारा 1974-75 में भेजा गया और यहाँ आके मुझे आदिवासी और जिनके पास कुछ कम है उसमें काम करने का उनके आशीर्वाद से मौका मिला। पिछले 45 साल से मैं आदिवासियों की सेवा कर रहा हूँ, आदिवासी के एरिया में काम करता हूँ और ये त्रिलोकचंद शांति देवी कोचर ट्रस्ट मैंने बनाया 2011 में और अभी तक ये 691 मेरा ट्रस्ट का कैंप है। हम हर साल 30 कैंप करते हैं और तकरीबन 1400 से 1500 मरीजों का, जिसमें कैंसर हार्ट मुफ्त इलाज कराने के लिए उनको भेजते हैं, वो चाहे शासकीय मदद से हो, चाहे डॉक्टरों की मदद से हो, योजनाओं की मदद से हो, लेकिन हमारा टारगेट रहता है कि कंप्लीट इलाज हो। मतलब हम कोई मरीज आए उसको बता दिया तुमको ये बीमारी है और जाओ, तो वो कहाँ जाके इलाज कराएगा, तो उसका इलाज तक की हमारी जवाबदारी हो तो वैसे कैंप करने में हमें संतोष मिलता है। आज मैं बारिक जी का धन्यवाद, प्योरिटी सर्विस हमारे चौधरी जी और श्रीकांत दुटे जी, जिन्होंने हमारे ट्रस्ट को ये मौका दिया वर्ल्ड मदर्स डे के उपलक्ष्य में। मेरी माता जी जो अब नहीं रही, उनके सम्मान में, उनके याद में मैंने आज ये कैंप यहाँ पर रखा है और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मरीज इसका फ़ायदा उठाए। हर हैंडबिल में मैं अपना नंबर ज़रूर देता हूँ, हर हैंडबिल में मेरा नंबर रहता है 9301210028, जिससे आप मेरा कहीं भी कॉलर पकड़ के बोलोगे कि आप मेरा इलाज कराएं, मैं छूट नहीं सकता, ये इसीलिए देता हूँ। तो ये
यहाँ बहुत सारे हमारे डॉक्टर मित्रों को भी आपके उपवा के नाम है, उनको भी मैं निवेदन करता हूँ कि मैंने अपने जीवन में यही ये कार्य किया है और आप लोग के आशीर्वाद से 170 डॉक्टर मेरे कॉन्टेक्ट में हैं। मैं आज डॉक्टर अंकित राणा जो MBBS MD फिजिशियन एम्स रायपुर में चिकित्सक रह चुके इंटरवेंशनिस्ट हैं वो यहाँ आए। अभी हमारे और भी डॉक्टर गाड़ी आ गई आ रहे हैं। डॉक्टर निखिलेश वासनिक जो MBBS MS और कैंसर सर्जरी भी हमने जैन हॉस्पिटल में चालू कर दी आपको बताना चाहेंगे। तो जैन हॉस्पिटल में कैंसर सर्जरी हो गई। हमारी मैडम डॉक्टर शेफाली सिंधे जी भी आ गए हैं। आप MBBS MS स्त्री रोग प्रसव रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रितिका राणा MBBS DGO निसंतान समस्या स्त्री रोग प्रसव रोग। डॉक्टर राखी जैन सहायक चिकित्सक। डॉक्टर अजय वासनिक सहायक चिकित्सक। कोई भी शिविर तब सफल असफलता का कितने मरीजों का पूर्ण इलाज होके हुआ उसको मैं मानक मानता हूँ। और मैं आज उपवा में इसीलिए आपको बताया कि एनबीर आपको मिलेगा, मेरा नंबर इस पर लिखा है, आप कभी भी दिन रात कभी भी मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। हम जैन हॉस्पिटल में एक योजना चलाते हैं कि जो भी गरीब जिसका गरीब बोला या नहीं जिसके बाद गरीबी रेखा का कार्ड, गरीब कोई नहीं है सब अच्छे हैं, लेकिन गरीबी रेखा का कार्ड हो BPL और आधार कार्ड हो उसको इंडिया में कहीं भी इलाज कराए 5,000 तक की हम उसको राशि देते हैं, चाहे वो इंडिया में कहीं भी इलाज कराए 5,000 तक की राशि हमारा ट्रस्ट जैन हॉस्पिटल ट्रस्ट देता है। मैं रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमारे डॉक्टर लोगों ने डॉक्टर हिमेंद बिसेन डॉक्टर KK गुप्ता डॉक्टर अश्विन बामपारे डॉक्टर अरुण बिसेन डॉक्टर अमित ठाकरे डॉक्टर प्रकाश दुले डॉक्टर IP वर्मा और जो उकवा है वहाँ करीब 19 गांव मैंने गोद लेके रखे हैं। तो मैं क्या होता है उकवा तो वहीं से मुड़ जाता हूँ होटल से ताज होटल से आपके इधर अभी कम आना होता है। मेरा वहाँ वो गोद लिया हुआ 19 गांव है और उसको मैंने पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया है। 1 करोड़ की वहाँ PHC बनवाई है और वहाँ चूँकि साधन आप तो जानते हैं सोनगुड्डा के बारे में कुछ नहीं जाना, आज भी यहाँ तक आते हैं बस बाकी तो बालाघाट से बस भी नहीं है वहाँ, तो वो एरिया लिया हुआ है। और मैं बारिक जी का और सभी आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि हमें आप ये सेवा का मौका समय समय पर दें, हम यहाँ पर कैंप करें। आज जो यहाँ आपने व्यवस्था की है वो बहुत ही अच्छा है। गर्मी के दिन में बड़ा दिक्कत होता है कैंप में काम करना, ऐसे ही गर्मी में बीमार हो जाए आदमी। आपने ठंडे पानी की व्यवस्था डॉक्टर के नाश्ता हम स्कूलों में करना सबसे प्रेफर करते हैं क्योंकि हमको वहाँ टेबल कुर्सी और बाथरूम मिल जाते हैं। आप कहीं भी करो तो वहाँ बाथरूम की सुविधा हमारे लिए डॉक्टरों को नहीं मिल पाती। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार बंधुओं के लिए विशेष कहना चाहूँगा कि आपके बिना चाहे कोई भी कार्य हो सरकारी गैर सरकारी आपके बिना वो सफल नहीं हो सकता। जब तक वो बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक उसका फायदा लोगों तक कैसे उठेगा। आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद उपवा वासियों का। मैं फुटबॉल का भी मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ और मैं आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।